नमस्कार, मैं हूं अनुराग चड्ढा। इनसाइड विद अनुराग में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं कि अगर देश की सुप्रीम कोर्ट कोई बात कह दे कि ये होना है और ये नहीं होना, तो भला हमारे देश में किसकी मजाल है कि सुप्रीम कोर्ट की बात ना माने। लेकिन मैं उत्तर प्रदेश में रहने वाले एक व्यक्ति को जानता हूँ कि जिसके मन में अगर आए तो वो तभी सुप्रीम कोर्ट की बात मानेगा, वरना नहीं मानेगा। आप सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसा ताकतवर वो कौन सा व्यक्ति है कि जो सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के विपरीत जा सकता है। तो दोस्तों, उस व्यक्ति का नाम है योगी आदित्यनाथ। जी हाँ, आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं। और आज का हमारा टॉपिक ही सीएम योगी के बुलडोजर को लेकर है। बाबा का बुलडोजर ना रुकेगा ना थमेगा, ये तो बल्कि गरज रहा है और गरजता ही रहेगा। आपने सही सुना, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के बाद भी माफिया, गुंडों और अपराधियों की प्रॉपर्टी पर योगी का बुलडोजर का एक्शन जारी रहेगा। योगी का बुलडोजर सिर्फ बुलडोजर नहीं, बल्कि ये यूपी में अपराधियों और अवैध प्रॉपर्टीज़ के लिए खौफ का दूसरा नाम है। बुलडोजर एक्शन योगी सरकार का ब्रांड बन गया है। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस के बाद हर तरफ यही चर्चा थी कि योगी का बुलडोजर एक्शन अब रुक जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होने वाला। यूपी के चंदौसी में बाबा का बुलडोजर गरज रहा है, और वो भी पूरी शान से। ये बात मैं पूरी गंभीरता और तथ्यों के आधार पर कह रहा हूँ कि योगी का बुलडोजर चल रहा है और आगे भी चलता रहेगा। इनसाइड विद अनुराग में यही समझेंगे आज की बुलडोजर पर सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के बाद भी यूपी में बुलडोजर क्यों गरजता और बरसता रहेगा। क्या कहते हैं बुलडोजर एक्शन के आंकड़े? सबसे पहले ये जान लेते हैं कि अब तक बुलडोजर एक्शन से जुड़े आंकड़े क्या कहानी बयां कर रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक 2017 से 24 तक पूरे देश में 1900 से ज़्यादा बुलडोजर की कार्रवाई हुई। इनमें सबसे ज़्यादा बुलडोजर की कार्रवाई उत्तर प्रदेश में हुई। उत्तर प्रदेश में पिछले 7 साल में बुलडोजर की करीब 1500 कार्रवाई हुई। चंदौसी में गरज रहा है बाबा का बुलडोजर। प्रदेश के संबल के चंदौसी शहर में अतिक्रमण हटाने के लिए बुलडोजर चल रहा है। पिछले कुछ दिनों से नगर पालिका और प्रशासन की टीम ने बुलडोजर की मदद से कई अवैध निर्माण हटाए हैं। इस अभियान के चलते व्यापारियों में डर है। कई लोगों ने तो खुद ही अपने अवैध निर्माण तोड़ने फोड़ने शुरू कर दिए। शहर के फव्वारा चौक के आसपास सड़क के साथ नाले पर दुकान और मकान बनाकर किए गए अतिक्रमण को बुलडोजर से हटाया जा रहा है। प्रशासन ने साफ कह दिया है कि जब तक पूरा शहर अतिक्रमण मुक्त नहीं होगा, तब तक ये अभियान जारी रहेगा। इस अभियान का उद्देश्य शहर को अतिक्रमण मुक्त और सुंदर बनाना है। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस क्या है, अब ये समझ लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर एक्शन पर क्या कहा है, जिससे लोगों को ये लगा कि अब बुलडोजर बंद हो जाएगा। तो मैं आपको बता दूं कि बुलडोजर एक्शन के खिलाफ जमीयत उलेमाए हिंद ने 22 अगस्त 2024 को सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी कि कोर्ट ने उसी याचिका पर सुनवाई करते हुए दिशा निर्देश दिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर बुलडोजर एक्शन का ऑर्डर दिया जाता है तो इसके खिलाफ अपील करने के लिए वक्त दिया जाना चाहिए। शोकॉज नोटिस के बिना कोई निर्माण नहीं गिराया जाएगा। कलेक्टर और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को इस बात की जानकारी दी जाए। नोटिस में यह भी बताया गया है कि निर्माण क्यों गिराया जा रहा है। एक डिजिटल पोर्टल हो जहां नोटिस और ऑर्डर की पूरी जानकारी हो। अवैध निर्माण गिराने का ऑर्डर दिए जाने के बाद व्यक्ति को 15 दिन का मौका दिया जाना चाहिए ताकि वह खुद अवैध निर्माण को गिरा या हटा सके। अगर इस ऑर्डर पर स्टे नहीं लगाया गया तब ही बुलडोजर का एक्शन लिया जाएगा। जो विपक्ष न्यायालय की गाइडलाइंस पर जश्न मना रहा है, शायद उन्होंने ध्यान नहीं दिया कि कोर्ट ने यह भी कहा है कि हमारी गाइडलाइन अवैध अतिक्रमण जैसे सड़कों या नदी के किनारे किए गए अवैध निर्माण के लिए नहीं है। अब समझिए, ज़्यादातर बुलडोजर एक्शन अवैध निर्माण पर ही तो हुए हैं, पर कोर्ट ने साफ कर दिया है कि इस पर बुलडोजर चलता रहेगा। यानी बाबा का बुलडोजर जैसे चलता था वो वैसे ही चलता रहेगा। रही बात बाकी गाइडलाइंस की, तो योगी सरकार पूरी प्रक्रिया को फॉलो करके ही बुलडोजर चलाती है, तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अब आप समझिए कि विक्रू कांड से चर्चाओं में आया है बुलडोजर। मैं आपको बताता हूँ कि बुलडोजर की शुरुआत कब से हुई। 2 जुलाई 2020 की रात को कानपुर के विक्रू गांव में गैंगस्टर विकास दुबे ने साथियों के साथ मिलकर 8 पुलिस वालों को मौत की घाट उतार दिया था। पुलिस ने गैंग को मिटाने की शपथ ली थी। विकास दुबे गैंग के एक एक आदमी को एनकाउंटर में मार गिराया जाने लगा। 40 थानों की पुलिस फोर्स की मौजूदगी में विकास दुबे के घर पर बुलडोजर चलाया गया। 4 बुलडोजर लगाकर विकास दुबे की अपराध से बनाई संपत्ति
मकान हो या दुकान या गाड़ियां, सब कुछ तहस नहस कर दिया गया। यहीं से बुलडोजर एक्शन को लोग ध्यान से देखने लगे। अब आप समझिए कि कैसे पड़ा बाबा बुलडोजर का नाम, योगी का नाम बुलडोजर बाबा कैसे पड़ा, इसकी भी एक बड़ी दिलचस्प कहानी है। विधानसभा चुनाव 2022 के दौरान 20 जनवरी को सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अयोध्या में एक चुनावी रैली के दौरान कहा था कि जो जगहों के नाम बदलते थे, आज एक अखबार ने उनका ही नाम बदल दिया है। उन्होंने कहा कि अखबार ने योगी का नया नाम रखा है बाबा बुलडोजर। अखिलेश के बाबा बुलडोजर कहते ही योगी आदित्यनाथ और भाजपा ने बुलडोजर का प्रचार करना शुरू कर दिया और तभी से योगी का नाम बाबा बुलडोजर पड़ा। एक्शन माफिया, बड़े माफिया पर हुआ बुलडोजर एक्शन। अब मैं आपको बताता हूं कि किन बड़े नामों पर बुलडोजर का एक्शन हो चुका है। अतीक अहमद की 325 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी जब्त करके ध्वस्त कर दी गई। गैंग के 60 सदस्यों के हथियारों के लाइसेंस भी रद्द कर दिए गए। विधायक मुख्तार अंसारी की 194 करोड़ की संपत्ति कुर्क की गई। मऊ, गाजीपुर और लखनऊ में मुख्तार के अवैध कब्जों पर बुलडोजर चला। गैंगस्टर सुंदर भाटी की करीब 63 करोड़ रुपए की से अधिक की संपत्ति कुर्क की गई, कब्जों पर बुलडोजर चला। बलिया जेल में बंद कुट्टू सिंह की करीब 17.91 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति कुर्क की गई और बाद में उसे ध्वस्त भी किया गया। बीजेपी नेताओं के घर भी बुलडोजर चला है। बुलडोजर एक्शन को लेकर विपक्ष लगातार एक नैरेटिव सेट करता रहा है कि योगी का बुलडोजर सिर्फ मुसलमानों पर ही चलता है, लेकिन ऐसा नहीं है। बाबा का बुलडोजर अवैध निर्माणों पर ही चलता है, वो चाहे कोई बीजेपी का नेता हो या कोई और हो। आइए मैं आपको बताता हूँ कि जनवरी 2023 में ललितपुर के मड़ावराज जिले में बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष और पूर्व मंडल अध्यक्ष विक्रम जैन बजाज के अवैध निर्माण पर बुलडोजर चला था। जून 2022 में बरेली में बीजेपी विधायक केसर सिंह गंगवार की अवैध कॉलोनी पर भी बुलडोजर चल चुका है। इसके अलावा जुलाई 2022 में यूपी के बरेली में ही जो बीजेपी के पूर्व नेता योगेश पटेल हैं, उनके अवैध बारात घर पर भी बुलडोजर चला। अगस्त 2022 में एक महिला से बदसलूकी करने वाले नेता, जो कि बीजेपी के नेता थे, श्रीकांत त्यागी, उनके घर पर भी बुलडोजर चला। ऐसे में साफ है कि जो गलत करेगा बुलडोजर उस पर चलेगा, चाहे वो फिर बीजेपी का नेता हो या विपक्ष का नेता हो। योगी सरकार कानून के तहत ही कराती है बुलडोजर एक्शन। हर छोटी छोटी बात पर उछल कूद करने वाले विपक्ष को ये बात नहीं पता कि योगी सरकार ने बुलडोजर के लिए एक नीति बनाई है, कानून की नीति, और उसी के तहत वो एक्शन लेती है। योगी आदित्यनाथ की सरकार ने 2017 में निकाय डेवलपमेंट अथॉरिटी, सिंचाई विभाग, जलापूर्ति विभाग, पुलिस और जिला प्रशासन को एक सूत्र में बांधा। इसके बाद अवैध निर्माणों की जांच शुरू हुई, नोटिस जारी किए जाने लगे। अगर किसी पर कोई अपराध का मामला निकलकर सामने आता है तो उसे तत्काल नोटिस करके अवैध निर्माण तोड़ने का आदेश दिया जाने लगा। अवैध निर्माण के मामलों को खाली कराने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट की ओर से नगर निकाय और जिला प्रशासन को दिया गया है। सरकारी जमीन से लेकर अन्य अतिक्रमण और बिना नक्शा पास कराए भवनों को एक निर्धारित अवधि के बाद तोड़ने का अधिकार भी बुलडोजर कोई एक्शन के द्वारा अथॉरिटीज को प्राप्त हुआ है। यही वजह थी कि यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में सरकार का पक्ष रखा तो बेंच ने इसकी तारीफ भी की थी। अवैध निर्माण को तोड़ने के नियम का उपयोग कर आगे भी बुलडोजर एक्शन जारी रहेगा, यानी कि बाबा का बुलडोजर बिल्कुल नहीं रुकेगा। योगी ने क्या कहा सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस को लेकर? सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस का योगी सरकार ने स्वागत किया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर योगी सरकार ने कहा कि सुशासन की पहली शर्त कानून का राज होती है। यूपी सरकार ने यह भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला दिल्ली के संदर्भ में था, उत्तर प्रदेश सरकार इसमें पार्टी नहीं थी। कुछ समय पहले योगी सरकार ने अपने फेवर में इस फैसले को दिखाते हुए कहा था कि बुलडोजर पर हर व्यक्ति के हाथ फिट नहीं हो सकते, इसके लिए दिल और दिमाग दोनों चाहिए। बुलडोजर जैसी क्षमता और दृढ़ प्रतिज्ञा जिसमें हो वही बुलडोजर चला सकता है। दंगाइयों के सामने नाक रगड़ने वाले लोग बुलडोजर के सामने वैसे ही पस्त हो जाएंगे। अब तो आपको ये समझ में आ ही गया होगा कि बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश अपनी जगह हैं, लेकिन सरकार जब किसी अपराधी का घर गिराने पहुंचती है तो आम जनता में खुशी की लहर होती है। यानी कि सरकार का बुलडोजर एक्शन एक लोकप्रिय कदम होता है। जब तक जनता को अपना शासक चुनने की आज़ादी होगी, सरकारों को लोकप्रिय फैसले से रोकने के कानून कितने काम करेंगे? ऐसे में बाबा का बुलडोजर गरजता रहेगा और वो नियमों के तहत ही चलता रहेगा। दोस्तों, मेरा ये विश्लेषण आपको कैसा लगा
कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर बताइएगा, और साथ में ये भी बताइएगा कि क्या बुलडोजर का एक्शन उत्तर प्रदेश में रुकना चाहिए या नहीं। फिर आपसे मुलाकात होगी किसी दूसरी वीडियो के साथ, तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। नमस्कार।